ये दोनों तो ये देखो अरे बाप रे ए माहिरा का प्यार मुफासा के लिए सही है माही। देखे वेट बढ़ गया है, ये डाइट की शुरुआत हो गई है, सब कुछ बन रहा है। अभी देखे अगर खाओ तो वेट ऐसा बढ़ता है। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. तो अभी डाइट की शुरुआत हो गई है, देखना 3 दिन के बाद मैं वेट चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को कितना ड्रॉप होगा वेट। मैंने तो अपना नाश्ता कर दिया, बकरों को उनका दाल लिया। मैंने पहले ही बताया था कि बकरों को अपने हिसाब से एडजस्ट करो, उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट मत करो। हम उठे ये टाइम पे, अभी उनका जो फर्स्ट दिन का चीज़ होता है जो होता है तुअर भूसा, वो उन्हें अभी मिलेगा। उनको डाल दूंगा मैं तुअर भूसा और चला जाऊँगा जिम। क्या टाइम हो गया देखो, 12:30 बजे। अभी भी ये जिम पूरा खाली ही है, मगर पहले से ज़्यादा नाम दिख रहे हैं मुझे रजिस्टर में। और पहले से ये टाइम पे खाली ही रहता था जिम, और मेरा रूटीन नहीं था पहले जैसा, इसके लिए मैं जल्दी आ रहा था। मेरा रूटीन पहले जैसा हो गया तो अभी मैं आऊँगा यही टाइम पे 12:30, 1:30। तो चलो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी के टाइम पे। तो ऑफिशियली अभी हमारा दुनिया से उल्टा रूटीन शुरू हो चुका है। देखो अभी कितने बजे है, 3:10 और मैं मेरे दिन की पहली मील खाऊंगा। अभी जिम करके आया हूँ, दिन की पहली मील खाऊंगा। और क्या बना है खाने में देखो, वही है जो होता था। ये मेरा घी बचा हुआ है और ये मेरे चावल। अभी सवेरे से लेके दोपहर से लेके रात तक यही चलेगा। ये एक फ़ायदा हो जाता है जब एक्शन वाली दुनिया खुलती है तो सब रूटीन उल्टा हो जाता है ना, तो दिन लेट शुरू होता है और रात जल्दी हो जाती है हमारी। तो फिर उसके लिए ना डाइट में आसानी हो जाती है। फिर फटाफट खाते और जाते गुड रूम में, अपने दो हाफ फ्राई और राइस, मज़ा ही मज़ा। इस बार इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, फटाफट फिनिश करता हूँ। रहा ही नहीं जा रहा, कितने बजे, 3:15 हो गए। चलो ख़त्म करते हैं। वाह क्या आराम कर रहे जानवर। मैंने खाना खाया, मस्त मज़ा आ गई। इतने दिन बाद अपना डाइट का खाना खाने का ही मज़ा कुछ और ही होता है। अभी फटाफट ना यहाँ पे थोड़ा क्लीन करते, कितने दिन से बचा ये काम जो क्लीन करने का है, अगर ये नहीं करेगा ना तो अलग दिक्कत हो जाती है। सब जानवर उड़ गए, नूरा तो पूरा लेट के सो गया है, उड़ गए सब, उड़ गए सब जानवर। अच्छे लग रहे हैं, सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोगों की दुआ काम आ रही है बस। चलो फटाफट मैं अभी यहाँ पर क्लीनिंग कर लेता हूँ। क्या भाई, क्या भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, क्या भाई, देखो क्या मस्त साफ हो गया। मुफासा को मैंने वहाँ बांध दिया और ये पूरा क्लीन कर लिया। अभी वो वाला पैसेज बचा हुआ है, वो वाला भी हो जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पे दरअसल मुझे ना चूना डालना था नीचे, मगर चूना है ही नहीं मेरे पास और कोई जाकर लाने वाला भी नहीं है। तो अभी इसको ऐसे ही कर देंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे तो साफ उसके नीचे हम लोग डालेंगे चूना। तो आप लोग भी कभी ऐसा साफ किया ना तो चूना डाला करो, बहुत सारा फ़ायदा है उससे। ये दोनों तो ऐसा करते जैसे जानी दुश्मन है दोनों। इनकी खानदानों के बीच में बड़ी जंग थी और ये दोनों आखिरी बचे हैं जो बदला ले रहे। अरे ये जब तक वहाँ पे पता था कुछ नहीं हुआ। ये देखो अरे बाप रे, ए वो भी उधर उड़िया मार रहा है। अरे देखे अंडू बकरे पालने की जो चैलेंजेस होती यही होते हैं। ये देखो इतने दूर बांध कर भी लड़ रहे। वो देखो वो उधर अलग, वो पूरा खड़ा हो गया पूरा। बस कर बे, ये ना ये बड़ा डेंजर, ये सबसे डेंजर है, इसको दूर बांध देता हूँ। तो फाइनली हम लोगों का हो गया दोनों तरफ का हिस्सा साफ करके। और वो जो दो पोते दिख रहे हैं ना आपको, ये दो पोते भर के मेहंदी निकली है। तो अभी ये मैं बेचूंगा दोनों बैग्स 1000 रुपए में। मजाक कर रहा हूँ, क्या बढ़िया था गुरु। ये अपने जॉन अंकल गार्डनिंग करते हैं ना, तो ये जॉन अंकल लेके चले जाएंगे।
उनको काम आएगा ये। वैसे अगर बेचना चाहो तो बेच भी सकते हो इसे। मेरा, मैं जहाँ पर रहता हूँ उसके आसपास में सारा आर्मी एरिया और उसके बंगलोज है, तो वहाँ के लोग हमेशा आते हैं मांगने के लिए, मगर जब हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है और हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस करते हैं कि जॉन अंकल को दे दे के उनके काम में आए। हम तो हमेशा वही सोचेंगे ना कि जो लोग हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनका फ़ायदा, उनको फ़ायदा हो हमसे। काम करते करते, साफ़ सफाई करते करते टाइम हो गया है फीड डालने का। बकरों को फीड डालने के पहले मैं अंदर कुछ काम कर रहा था जो यूट्यूब से रिलेटेड है। हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है तो कुछ मेल्स आए हुए थे, मैं उसको फॉलोअप में ले रहा था और अपने सीए से बात कर रहा था कि वो कुछ इनकम टैक्स का जो चीज़ें होती है उनकी, कि हम लोग तो हमेशा इनकम टैक्स पे करते हैं। जो तुम्हारा भाई कमाता है वो हर चीज़ वाइट में है, तो ये भी अगर कोई कमाई आएगी तो ये भी मुझे वाइट में चाहिए, इसलिए मैंने वो सारे क्लॉज उनके फील कर दिए। कायदे में लेके काम करोगे ना तो फ़ायदा ही होगा, तो इसके लिए कभी कायदा तोड़ना मत। तो चलो इनको ट्रे साफ कर देते हैं और फीड डालते हैं इनको। फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। क्यों जाबिर, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड समझ में आया या नहीं आया आपके? ये देखो माहिरा का प्यार मुफासा के लिए। सही है माही, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। बस बस करो, बस करो। मुफासा भी कैसा आराम से खड़ा हो जाता जब माही आई, और मैं रहूंगा तो मस्ती करता है। देखो सही से खा लेते हैं सारे जानवर, तीनों भी जानवर। पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको तो ये लोग कितना नाटक कर रहे थे, देखा आप लोगों ने। तो मेरा मेन मकसद यही है आप लोगों को दिखाने का कि मेहनत करनी पड़ती है मगर हैबिट हो ही जाती है। देखो आज हैबिट हो गई है और फीड एकदम अच्छे से खा रहे हैं ये लोग, मगर हम लोग इसमें कुछ और भी ऐड करने वाले हैं। जब ऐड करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। फर्स्ट राउंड डाल के मैं अंदर चले गया, जैसे इनका फर्स्ट राउंड फिनिश हो जाता है ना तो ये लोग आवाज़ देना शुरू करते। देखो सारे हट गए अपने जगह पे से। मुफासा का तो पूरा क्लियर है, सुल्तान का भी ऑलमोस्ट क्लियर, और कोटा का थोड़ा बचा हुआ है। कोटा इतनी रफ्तार से नहीं खाता है, पता नहीं क्यों। उसे भी लाइन पे लेके आने के लिए कुछ इलाज होते हैं, वो करेंगे हम लोग, मगर सबसे पहले तो मुफासा क्लियर कर देता है, तो मुफासा को डाल देते हैं उसका सेकेंड राउंड। देखो ये पूरा फीड इसमें। भर के लेता हूँ मैं और अंदाजे से डाल देता हूँ हाफ। तो ये सेकंड राउंड भी दे दिया मैंने मुफासा को। अभी मैं इनको भी सेकंड राउंड डाल सकता हूँ, मगर ये लोग क्या करेंगे, फिर सिर्फ ग्रेन्स ग्रेन्स खाएंगे और जो सॉफ्ट जो पाउडर है जिसमें मेन सारी चीज़ें वो छोड़ देंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर हार्ड पार्टिकल्स खाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा। मेन जो है वो पाउडर खाना चाहिए, तो पाउडर फिनिश कर लेते हैं वो जब उनको दूसरा राउंड पड़ेगा। खार, दिन की दूसरी मील मेरी फिनिश होने पर है। बकरों का थर्ड राउंड भी फिनिश कर दिया और कुछ काम कर रहा था काम कर रहा था क्या? देखो मैसेज अभी आ ही रहा है। इमरोज भाई से बात कर रहा हूँ। इमरोज भाई से क्यों बात कर रहा हूँ आप लोगों को पता ही है, पता चल ही जाएगा। और डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था मैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, उनसे भी बात कर रहा था मैं। बहुत जल्द मिलने वाला हूँ मैं उनसे, डॉक्टर साहब से। फटाफट अभी पहले तो मील खाता हूँ यार। मैं अपनी दिन की सेकंड मील खा के जो सुस्ती निकाल रहा था और यूट्यूब पे कुछ देख रहा था जो मुझे इन फ्यूचर लेना है अपने लिए, बस यही कर रहा था मैं। गोट रूम में जाके वाइंड अप करके आया और अभी बैठ गया अपने काम के लिए। अभी मैं मेरा अपना काम कर दूंगा। कुछ और यूट्यूब पे मुझे देखना है, जिसके रिव्यूज देखने वो देखूंगा। दिन भर सारा इसी में चले गया, गोट रूम, जिम, डाइट और सुस्ती निकालने में। इंशाल्लाह कल कहीं बाहर जाऊंगा। माही आमना, बहुत दिन हो गया माही और आमना के साथ व्लॉग एंड नहीं किया, तो अभी हम लोग माही आमना को बुलाएंगे और उनके साथ ही व्लॉग एंड करेंगे। देखते हैं क्या कर रहे हैं। ओके स्टडीज, चलो आ जाओ व्लॉग को एंड करते हैं। तो काफी दिन बाद माही आ गई है व्लॉग में, व्लॉग एंड करने। चलो व्लॉग एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। टिल देन Peace, hasta la vista. Good night, goodbye. Bye. Khate. Khate ke pista. Allah Hafiz, take care. Goodbye. Chalo, hone do. Chalo phir. Haan. Hone do phir. Haan. Khana khayenge. Haan. Chalo. Main bhi khana khayenge. Haan.